दोस्तों एसडीएम मैडम ज्योति मौर्य के पिता ने शादी को लेकर किए हैं बड़ा खुलासा। आलोक के साथ उसके परिवार वालों के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बोले हैं कि शादी ही झूठी बुनियाद पर खड़ी थी, जो सच था उसे छुपाया गया था। जब ज्योति एसडीएम बनी तब पता चला कि आलोक एक सफाई कर्मी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि यूपी के बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहा तलाक का विवाद अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ज्योति और आलोक एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं आलोक का कहना है कि उन्होंने अपने पत्नी को एसडीएम बनाने में मदद किया, पढ़ाया लिखाया, और जब वह पद पर आ गई तो उन्हें धोखा देकर किसी पराये अफसर के साथ संबंध बनाने लगी। इसके बाद ज्योति आलोक से अपना रिश्ता खत्म कर अलग हो गई हैं और तलाक की अर्जी कोर्ट तक पहुंच गई है। और तो दोस्तों, ज्योति ने आलोक के परिवार वालों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का भी आरोप लगाई है, और इसी दौरान सोशल मीडिया पर इन दोनों के शादी के कार्ड का तस्वीर भी वायरल होने लगा है, जिसमें आलोक के नाम के साथ ग्राम पंचायत अधिकारी जुड़ा हुआ था। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों कि क्या आलोक के परिवार वालों ने धोखा देकर शादी किए थे। वहीं आज तक न्यूज चैनल की टीम ज्योति के गांव वाराणसी के चिरई गांव में पहुंची और उनके पिता से जानकारी ली। बातचीत के दौरान एसडीएम ज्योति मौर्य के पिता पारसनाथ मौर्य ने बताया कि शादी से पहले आलोक के नाम से पहले ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया था और यह शादी के कार्ड में भी लिखा हुआ था, लेकिन जब ज्योति एसडीएम हुई तब पता चला कि आलोक एक सफाई कर्मी है। और जब शादी ही झूठी बुनियाद पर खड़ी हो तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता क्या आगे निभाया जा सकता है। ज्योति के पिता का कहना है कि उनके बड़े भाई के नाम के आगे भी अध्यापक लिखा गया था, जबकि वह भी एक सफाई कर्मी ही है। वहीं आगे पूछा गया कि सफाई कर्मी होना क्या गुनाह है, क्या यही वजह है कि ज्योति ऐसा की है, तो उन्होंने कहा है कि विवाद का जड़ यह नहीं है और ना ही यह गुनाह है, लेकिन उन्होंने झूठ क्यों बोला। यहाँ तक कि ज्योति ने कहा कि जो कुछ भी हुआ जाने दो। वहीं आलोक का मानना है कि शादी के कार्ड में नाम और डेट तो सही है, लेकिन वह पद नहीं छुपा हुआ था। ज्योति के परिवार वाले अब बचने के लिए ऐसा खेल खेल रहे हैं। तो दोस्तों, यह मामला और गंभीर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।